दोस्तों रेडी है, एक और दिन एक और जर्नी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अच्छी सी जगह। हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, और एक फ्राइडे आ गया और आज हम चलेंगे कहीं घूमने, बाहर जाएंगे, कुछ अच्छी जगह घूमेंगे। मैंने एक वादी वादी अल सवाक करके लोकेशन ढूंढा है जहाँ आज मैं जाने वाला हूँ। देखते हैं उधर पानी मिलता है कि नहीं, अगर नहीं मिला तो आगे और कहीं जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आज दिखाऊंगा दुबई की एक डैम वादी। लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। आई एम योर फ्रेंड ब्रह्म भट्ट जीगर, हाय। दिस इज कृषि माई सन। और अभी हमने गाड़ी में आ गए हैं, सब सामान रख दिया है। इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये शारजा का यूनिवर्सिटी एरिया है, ये कॉलेजेस है। एक दिन हम जाएंगे, ट्राई करेंगे जाने के लिए। शारजा का यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है शारजा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ये दूसरे है, ये पूरा टोटली यूनिवर्सिटी एरिया है। आप इधर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए बहुत बेस्ट है। ये प्लानिटोरियम है शारजा का, नंबर वन है। वेबसाइट में चेक किया है पर कभी गए नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं शारजा का प्लानिटोरियम भी दिखाऊं तो कमेंट करें, देखूंगा जाने के लिए, आपको दिखाऊंगा भी। बहुत अच्छा है। अभी हम माउंटेन में एंटर हो रहे हैं, लग तो रहा है बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है, तो कुछ एक्साइटिंग होगा ऐसा लग रहा है। बहुत सारी गाड़ियां रोड पे है, माउंटेन भी है। मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन हिरल आपको वीडियो में दिखा रही है सब। देखिए माउंटेन आ रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ से माउंटेन पूरे स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग दुबई में घूमने आते हैं उनको नहीं पता है कि दुबई में बहुत अच्छे माउंटेन हैं, बहुत 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 अच्छे माउंटेन हैं। रसल खेमा, अलेन, जो सारी जगह है जहाँ माउंटेन बहुत ही अच्छे हैं, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। डेजर्ट के साथ साथ माउंटेन सुपर। प्रॉपरली एंटर हो चुके हैं अभी माउंटेन के अंदर, ऐसे ही माउंटेन में ऊपर नीचे का चलता रहेगा। के इधर सब पॉइंट्स है वादी के, हम अभी नहीं रुक रहे क्योंकि हम जो जगह पे जा रहे हैं वो जगह का हमारा एम है, तो हम उधर ही जाके पहले रुकेंगे, रिटर्न में ये सब पॉइंट्स कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। देखिए वो कौन, वहाँ राइट साइड में बहुत अच्छा सा केव है माउंटेन का। ठंडियों के मौसम में यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, बारिश ये सब मज़ा है। नेक्स्ट मंथ हम ट्राई करेंगे एक और बार आने के लिए, एंजॉय करेंगे ये सीन विद रेन वाटर। सामने देखिए ये माउंटेन को कट करके रास्ता बनाया हुआ है, अभी हम जस्ट माउंटेन के अंदर से जा रहे हैं। अभी हम नीचे उतरेंगे माउंटेन के, खुले मैदान और एकदम से पहाड़ और बीच में डेजर्ट के ट्रीज। ये कोरोना की वजह से, वरना अभी तो बहुत टूरिज्म स्टार्ट हो जाता दुबई में। अभी भी आ रहे हैं लोग लेकिन जो हमेशा आते हैं वो हिसाब से नहीं है, फिर भी मजा है। देखिए माउंटेन, ये सब ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है। पे रोड साइड में ऐसे फ्रूट के स्टॉल मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे फ्रेश फ्रूट मिलता है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ वाले गाड़ी रोक के देते रहते हैं। हमने आज ऑलरेडी घर से कैरी किया है तो हमने नहीं ले रहे, और हम गाड़ी भी बहुत स्लो जा रहे हैं, ओवर स्पीड नहीं है कुछ भी। 120 का रोड है, हम 80-70 जा रहे हैं ताकि रोड एंजॉय कर सकें, वही हमारा मेन एम।
की स्पीड लिमिट 40 है, इसलिए व्यू एंजॉय करने का कुछ अलग ही मज़ा है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गांव होते हैं, वो तरह का फीलिंग आ रहा है। मुझे लगता है जब बारिश का मौसम होगा ना, बहुत अच्छे से बारिश गिर रही होगी इधर, क्योंकि जो जिस तरह से पानी के लिए वैली बनाए हुए है, उससे लग रहा है कि मज़ा आ रहा होगा इधर रहने का उस टाइम पे। को कैसे भी नहीं लगेगा कि ये दुबई है। फाइनली वी रीच द डैम, हम लोग डैम पे पहुंच चुके हैं। लेट्स फाइंड द पार्किंग। एंजॉय कर रहे हैं हम माउंटेन्स। डैम में पानी है उस तरफ, हम जाएंगे ऊपर। ऊपर गाड़ी अलाउ नहीं है, तो नीचे भी एक छोटा सा डैम जैसा बनाया हुआ है पानी का पार्क, हम उधर भी जाएंगे। नाउ वी आर स्टार्टेड टू गो अप टू द डैम व्यू। यस, देखिए बहुत अच्छा व्यू बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मुझे कुछ पता नहीं था ये लोकेशन का, जस्ट ऐसे ही मैं आ गया। तो देखिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ेदार है, इंजॉयबल है। माउंटेन का मज़ा ही कुछ और होता है, और उसमें भी डैम हो तो और भी मज़ा आता है। देखिए डैम, पानी, सुपर प्लेस। इसी के लिए आज का हमारा पूरा वीडियो था। देखिए फाइनली डैम के ऊपर हम आ गए, डैम का पानी देख लिया, और हमने इस तरफ पूरा डैम कवर करते हुए, बहुत अच्छा। ऊपर वहाँ पे, वहाँ ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, वो वाला, वो मून साइड बोलते हैं। वहाँ पे आप चल के ऊपर जा सकते हैं और नाइट में मून का सुपर व्यू देख सकते हैं। आगे सेम वे चल के जाएंगे तो उधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम ट्राई करेंगे, देख रहे हैं जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब थके हुए। मज़ा है, अगर आप आना चाहें तो सुपर प्लेस है। आगे ट्रैकिंग का भी पॉइंट्स है, जहाँ से छोटे छोटे झरने वो सब है। पानी होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन लेट्स ट्री, लेट्स ट्राई, लेट्स गो टू दैट एंड सी। सुपर जगह है यार, सुपर। ये डैम का बेस्ट व्यू है, जहाँ से आपको डैम बहुत ही अच्छा और बढ़िया दिखेगा, और माउंटेन भी सुपर।
प्लीज कम एंड लुक एट दिस प्लेस। बहुत अच्छी ये सब व्यू देख के इंडिया की याद आ गई, नर्मदा के किनारे चाणोद में बैठने का ऐसा ही मजा था। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हवा है। टेक केयर गाइस, हवा बहुत ज़्यादा इधर। ये किसी एनिमल के फुटस्टेप है, टेल मी द विच फुटस्टेप। हम थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, बहुत हैवी है। वहाँ हमारी टीम बैठी है और दूसरी टीम उधर ऊपर चढ़ी हुई है, मैं नहीं चढ़ सकता, मैं एंजॉय इधर ही कर रहा हूँ नीचे। ये भी डिफिकल्ट है फिर भी कर रहे हैं, देखें। बहुत हवा है यहाँ, मज़ा है, पैसा वसूल है और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। मेरे ख्याल से ये सब जगह में पानी आ जाता होगा, मे बी नेक्स्ट मंथ हमें शायद देखने के लिए मिल जाए। डैम दिख रहा है अच्छे से, ऊपर आ तो गए लेकिन बहुत मुश्किल है भाई ऊपर आना। वहाँ ऊपर जाने वालों का क्या होता होगा, वहाँ जो मेरे दोस्त लोग उतर गए मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। परफेक्ट पिकनिक स्पॉट, पिकनिक के लिए ये जगह परफेक्ट है, फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ। इवन आप दुबई घूमने आए हो तो भी आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इधर डैम के उस तरफ भी गार्डन है, उस तरफ भी गार्डन है, सब तरह गार्डन है। हमने कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट भी उधर देखे, शायद डियर है या फॉक्स है, बोल नहीं सकते। अच्छा है, मज़ा है, इंजॉयबल है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। विदाउट मास्क नॉट अलाउड, वेयर द मास्क फ्रेंड्स।
आई विश फ्रेंड्स आपको मेरा ये वादी अल सवाक टूर का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और डिसलाइक चाहे तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना रिस्पांस ज़रूर दें। शेयर भी कर सकते हैं अगर आप और अपने दोस्त साथ में घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये जगह बहुत अच्छी है, वीकेंड में आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। वादी अल सवाक।